एक तो परमात्मा का संकल्प और दूसरा मनुष्य का संकल्प। मनुष्य परिच्छिन्न होने के कारण उसके संकल्प में वो शक्ति नहीं है कि जिसके कारण उसके संकल्प पूरे हो जाए, और परमात्मा परिपूर्ण होने के कारण उनके सभी संकल्प ज्यों के त्यों बने रहते हैं और पूरे होते हैं। तो भगवान के संकल्प के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि निर्माण करने को स्वीकार किया, और जब दक्ष प्रजापति प्राचेतस प्रजापति के रूप में पैदा हुए और फिर उन्होंने अपने पुत्रों को उत्पन्न किया ताकि वो प्रजा बढ़ावे, तो नारद जी महाराज वहां गए और सबको निवृत्ति मार्ग का उपदेश करके उनको बताया, कहा संसार के चक्कर में फंसे रहते हो, भगवान का नाम लो, मस्त रहो, रहो देखो मैं कैसे रहता हूं। और ये मस्ती सभी को आकर्षित करती है, संतों की मस्ती सभी को आकर्षित करती है। तो उन्होंने भी सोचा ये ठीक ही है, अब छोड़ो, और उन्होंने निवृत्ति मार्ग को स्वीकार किया। तो दक्षा प्रजापति को बड़ा दुख लगा, देखो ये क्या बात है। फिर उन्होंने दूसरे बार पुत्र निर्माण किए ताकि वे फिर यह सृष्टि बढ़ाने का कार्य जारी रखे। लेकिन उनको भी हमारे नारद जी महाराज मिले और उन्होंने कहा कि देखो महाराज, बच्चों तुमको अपने बड़ों का अनुसरण करना चाहिए, तुम्हारे भाई देखो कितने समझदार थे, और तुमने यदि अपने बड़े भाइयों का अनुकरण किया तो तुमको स्वर्ग मिलेगा, आनंद मिलेगा, कहा ये प्रजा उत्पत्ति के चक्कर में फंसे हो। तो वो भी उन्होंने कैंसिल कर दिया, और ये जब हुआ तो प्रजापति दक्ष जी को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि हे नारद, अहो असाधो साधु नाम साधु लिंगी नस्तया अस्वाध कार्य घर का नाम भिक्षोर्मादर्शिता, तो साधु के वेश में असाधु हो, अच्छे खासे हमारे बच्चे शादी करके बच्चे पैदा करने वाले थे, तुमने उसको बाबा जी बना दिया, तुम्हारे जैसा दुष्ट कोई है नहीं। और उन्होंने बहुत सारी जली कटी नारद जी को सुनाई और फिर कहा कि तस्मात लोकेशु ते मूढ़ न हुए भ्रमतः पदम, इसीलिए मैं तुमको शाप देता हूं कि कभी भी तुम एक स्थान पर नहीं टिकोगे, क्योंकि जहां तुम टिके रहते हो वहां सबका सत्यानाश कर दे, इसीलिए भागो यहां से। उसी को लेकर के कोई भी बाबा जी एक स्थान पर ज्यादा नहीं टिकते, सभी बाबा जीओं को ये शाप है, और जो एक स्थान पर टिक जाते हैं तो बाबा जी फिर बीबी जी हो जाती है। इसीलिए साधुओं के लिए ये अच्छा है कि वो हमेशा भटकते हैं। ऐसी जब बात हो गई, ये जो शाप था नारद जी को, ये शाप केवल द्वारका में लागू नहीं होता था, क्योंकि वहां भगवान स्वयं थे, सब जगह उनको शाप लागू था। तो इस प्रकार से उन्होंने शाप को स्वीकार किया। इसके ऊपर सुखदेव जी महाराज कहते हैं, प्रति जग्राह तद बाढ़ नारद साधु सम्मत ये तावान साधु बाबू ही तिथि क्षेत्रेश्वर स्वयं। उन्होंने स्वीकार कर लिया, हाँ भैया हम आपके शाप को स्वीकार करते हैं। इस पर टिप्पणी ये है कि उनमें दक्ष को शाप देने की क्षमता थी, और फिर भी उन्होंने दक्ष को शाप दे दिया। इसी को कहते हैं साधु संत। जब कोई अपना बुरा करे तो भी उनका भला चाहने वाले जो होते हैं वो साधु संत है, और जब कोई अपना बुरा करे तो बुरे का बदला बुरे से लेना यह संसारी का लक्षण हो गया, और जो दूसरे का बिना कारण से खामोखा बुरा करता है उसके बारे में बोलने की आवश्यकता ही नहीं, वह अत्यंत नीच है। इस प्रकार से हमने पांचवें अध्याय में छठे स्कंद के ये कथा सुनी थी, और फिर छठवें अध्याय में बताया था जब हमारे प्राचेतस महाराज ब्रह्मा जी के पास गए
और जाकर के उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा हुआ, तो बोले कोई बात नहीं, इस समय तू कन्याओं को पैदा करो, ये बाबा जी लोग कन्याओं को नहीं ले जाएंगे। तो उन्होंने 60 कन्याएं उत्पन्न की, जिसे पता चलता है और हमारे शास्त्रों में वेदों में इसका नियम भी आता है, मुझे मालूम नहीं पूछना हो, कि जब कन्या पैदा करनी हो तो देश काल परिस्थिति ग्रह इन सबको मिला करके यदि स्त्री पुरुष का समागम होता है तो उसमें कन्या या पुरुष के या पुत्र के निर्मिति की व्यवस्था है। उपनिषदों में भी इसके बारे में बृहदारण्यक में बड़े विस्तार से आता है, इसी बहाने पढ़ लो। तो उनकी 60 कन्याएं पैदा हुई और उन 60 कन्याओं के विवाह हुए और फिर उनके अनेक प्रकार के पुत्र हुए। अब उन सबका नाम तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, छठवें स्कंद के छठवें अध्याय में आप पढ़ देना। और फिर आखिरी आखिरी में आता है कि जो कुशा थे उनके कोई संतान नहीं थी, और जब उनको बहुत डांटा था और उन्होंने शिवजी को अपने दांत दिखा करके बड़े हंसे थे, तो उनके दांत तोड़े गए थे, उसके बाद उनके दांत रिपेयर नहीं हुए, सब कट के हुआ, उनका कोई ठीक नहीं हुआ। इसीलिए पूछा माने पितृलोक, इसीलिए जो पितृलोक है उनको जब खाना खिलाते हैं तो गरम गरम खाना खिलाते हैं, और वो अपने मुख से नहीं खाते, वो ब्राह्मणों के मुख से खाते हैं। तो ये जो पूछा थे इनका विवाह दैत्यों की कन्या थी रचना नाम की, उससे हुआ त्वष्टा की, और उससे दो पुत्र उत्पन्न हुए, सन्निवेश और विश्वरूप। और फिर विश्वरूप के बारे में बताते हैं कि यह जो विश्वरूप थे यही फिर देवताओं के गुरु बने, क्योंकि इंद्र ने बृहस्पति जी का अपमान किया। इसके साथ साथ छठवां अध्याय समाप्त हुआ, यहां तक हमने पिछले बार देखा था, अब यहां से 7वां अध्याय और कथा हम जरा विस्तार से देखेंगे। देखो भगवत कथा का तात्पर्य क्या है, जितना हमारा मन विचलित रहता है तब तक उस मन को भगवान के लीला का गुणों का कथाओं का भोग चढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। अपने मन को नियंत्रित करने का प्रयत्न कभी करना भी मत, और वो कभी सफल होगा भी नहीं, तो क्या करें फिर, इस मन को भगवान की कथा में लगा, क्योंकि मन को कोई ना कोई आलंबन चाहिए, बिना आलंबन के मन मर जाता है। सुषुप्ति अवस्था में मन का अमन क्यों हो जाता है, इसलिए कि उसने स्थूल देह के साथ तादाद में छोड़ दिया और जगत के विषयों के बारे में चिंतन करना छोड़ दिया, तो ये मन अपने आप को पकड़ के नहीं रह सकता, और इसीलिए ये जो मन है ये कभी भी चिंतन के सिवा नहीं रह सकता। तो यदि हम अपने मन को नियंत्रित करके उसको शांत रखने का प्रयत्न करेंगे तो उसमें जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन ये सफल नहीं होगा। इसके लिए ये बहुत महत्व की बात है कि हम अपने मन को भगवान के चरित्रों में लगाएं, गुणगान में लगाएं। इससे क्या होगा हम आपको शॉर्ट में बताते हैं, फिर इसमें प्रवेश करते हैं। अखंड यदि कोई विचार करे कि मैं हमेशा भगवान का नाम लेते रहूंगा, राम 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 राम, तो ये प्रारंभिक अवस्था में और सभी के लिए संभव नहीं है। हम अपनी हैसियत को पहचानें, पहली महत्वपूर्ण। तो फिर क्या किया जाए, इस मन का जैसा मूड हो उसी प्रकार से उसको पुरस्कार के योग्य कर्मों में लगा दो। तो या तो अपने जो कर्म करने हैं वो प्रसन्नता से करें तो उसमें मन लगेगा, या तो फिर भगवान की कथा चिंतन इत्यादि में लगाएंगे तो दुनियादारी की जो बकवास चलती है वो बंद हो जाएगी, और उसके पश्चात फिर यदि मन थोड़ा शांत है, नियंत्रित हो गया है, तो फिर भगवान के नाम का जप इत्यादि करें। इस प्रकार से सभी की सभी जितनी साधना है अपनी, चाहे कर्म करने की, भगवान का नाम लेने की,
सत्संग को जाने की, ध्यान करने की, भगवान के भजन कीर्तन करने की, ये सभी की सभी साधना का मूल प्रयोजन केवल अपने मन को बिजी रखना है ताकि वो युक्तामुखी ना बने, बहिर्मुखी ना बने, वो हमेशा अंतर्मुखी रहे। यदि हमारा मन बहिर्मुखी हो जाता है तो संसार हमारे हृदय से नहीं हटेगा। और इसलिए हम लोगों के पास कथाओं की कुछ कमी नहीं। एक समझो पुराण आपने पूरा कर लिया, आप क्या करें, कोई बात नहीं, दूसरा पुराण है, फिर तीसरा है, 18 पुराण है, 18 सब पुराण है, महाभारत है, रामायण है, उपनिषद है, भगवद गीता है। और सबसे बढ़िया बात हमारे भारतवर्ष की, सबसे बढ़िया बात, साधु संतों के चरित्र अपरिमित है, जितने चाहे आप ले लो, सीधे ऊपर से लिख लो, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक कहीं नहीं चले जाओ, एक भी समय ऐसा नहीं था कि जब हमारे देश में साधु संत नहीं थे। और इसीलिए अपने जीवन में हमेशा साधु संतों के चरित्र का पाठ, उनको पढ़ना, ये बहुत बड़ी साधना है जिसके द्वारा हम अपने मन को योग्य प्रकार से बिजी रख सकते हैं। जब साधु संतों के चरित्र पढ़ते हैं तो पता चलता है कि कितने कष्ट और कितनी लगन से इन साधुओं ने अपने जीवन को परमात्मा के चरणों में लगाया था, तब जाकर के उनको प्राप्ति हुई। और फिर हम अपनी तरफ देखें, ऐसे लगता है कि हम अभी KG1 KG2 में ही है। इसीलिए अपने साधना को एकदम एकाग्रता से बढ़ाने के लिए साधु संतों के चरित्र पढ़ना बहुत आवश्यक है। अभी हम एक संत के चरित्र पढ़ रहे हैं, श्रीधर स्वामी जो सज्जनगढ़ पर रहते थे और रामदास स्वामी के भक्त थे। अभी अभी की बात है, पिछली सदी की। तो उनका चरित्र जब मैं पढ़ रहा था तो उनका जीवन इतना कष्टमय रहा बचपन से, और उन्होंने साधना क्या करी, केवल एक ही साधना करी। उनको किसी ने बताया वहां जाकर के तपस्या करो, तो छोटे ही थे 15-16 साल के, तो वहां जाकर के तपस्या पहुंची कि केवल सेवा करनी है, बाकी कुछ नहीं। जिस व्यक्ति ने यह सेवा भाव जागृत कर लिया है अपने हृदय में, उसकी साधना अपने आप शुरू हो गई। सेवा भाव का तात्पर्य है हम अपने व्यक्तित्व का समष्टि के सामने, परमात्मा के सामने समर्पण कर देते हैं। और वो उन्होंने सेवा जबरदस्त करी अपने जीवन में, और 5-6 साल की सेवा के बाद उनको समर्थ रामदास स्वामी के साक्षात दर्शन हुए उनके वहां समाधि के पास। और उसके बाद उन्होंने उनका आरोप दे दिया ब्रह्मात्म के बोधका, और फिर बताया इसके बाद तुम दक्षिण में जाकर के घूम गए। इस प्रकार से इन संतों के चरित्र से हमको प्रेरणा मिलती है। और ये सभी का सभी इसलिए, केवल मन को योग्य दिशा और योग्य साधना लगाने के लिए, अन्यथा मनुष्य साधना के नाम पर अपने आप को धोखा देगा। इसी सिलसिले में अब यहां जब बताया कि विश्वरूप यह रचना का और रचना का पुत्र था, तो इसका ऐसा हुआ वैसा हुआ कि बृहस्पति ने, बृहस्पति जी का इंद्र ने अपमान कर लिया, इसीलिए फिर उनको बनाया गया देवों का गुरु। सवाल आया ऐसा क्यों हुआ, इंद्र तो राजा थे और उन्होंने बृहस्पति जी का अपमान क्यों किया, एक संभव ही नहीं लगता। और ऐसा कौन सा अपराध किया था कि बृहस्पति जी ने, गुरु ने अपने शिष्य और राजा इंद्र का तिरस्कार कर दिया, ये मुझे कथा विस्तार से सुनी। अब देखो सामने वाला जब कथा सुनने में इंटरेस्ट लेता है ना, तो बताने वाले को भी आनंद आता है। जैसे छोटे बच्चे होते ना, वो कितने पीछे लगे रहते, हम नहीं कथा बताओ कुछ, तो अपने आप माँ बाप रेडी हो जाते हैं, क्योंकि मालूम है रोज रात का सर खाने वाला है, तो पुस्तक ले आते हैं और पढ़-पढ़ा करके अपने को तैयार रखते हैं, नहीं तो वो सर खाएंगे। उसी प्रकार से यहाँ जब श्रोता पूर्ण मन लगा करके सुनने वाला हो तो वक्ता वक्ता नहीं, फिर वो बोलता है।
तो शुकदेव जी महाराज ने परीक्षित जी के इस सुंदर वचन को सुनकर के बताया। और ये जो कहानियां है हर एक से हमको सीखना है। उस दिन हमने आपको बताया था यदि जीवन में बूढ़ा नहीं होना है आपको तो इसका ये तरीका है, मेकअप करके बुढ़ापा नहीं छिपाना, बुढ़ापा छिपाना नहीं है, बुढ़ापा नष्ट कर देना है। उसका एक ही तरीका है, अपने जीवन में प्रत्येक क्षण हमको प्रत्येक अनुभव से कुछ ना कुछ सीखना है। जिसके हृदय में सीखने की प्रक्रिया बंद हो गई है वो बुढ़ाऊ हो गया है। और बुढ़ापा के यही लक्षण है, उनको कुछ बताम क्या है सर, हमने बहुत करके देखा है कुछ नहीं होता, भगवान का नाम कितने बार ले कुछ नहीं हुआ, शादी कर लो कम से कम वो तो दुख मिलेगा। हम गए थे उत्तरकाशी, बहुत पुरानी बात है, पर गंगा जी के किनारे स्वामी जी के आश्रम से घूमे निकले, काफी दूर तक चले गए 2-3 मील। और वहां जाने के बाद वहां देखा एक बाबा जी बैठे हुए थे, अनंत दर्शन करते गए, नमस्कार जमस्कार के, आप उस समय जवान थे, तो उन्होंने कहा बेटा कहां इस चक्कर में पड़े हो, हम यहां आकर के पछता रहे, आज तक भगवान के दर्शन हुई नहीं और होने के चांस, और अब क्या भटक रहे हैं, अभी भी तुम जवान हो, जाओ पैसा वैसा कमाओ और अपने आप का भला। तो ये बुढ़ापे के लक्षण है, जो बूढ़ा हो जाता है वो साधना नहीं कर सकता। साधक का लक्षण ये है कि अपने आखिरी क्षण तक परमात्मा के प्राप्ति के नए नए तरीके ढूंढे। ऐसा नहीं कि रोज का रोज वही ब्रेकफास्ट के लिए सैंडविच और लंच के लिए सैंडविच और सैंडविच कर डिनर, ऐसी साधना नहीं होती। नित्य नूतन नई नई प्रक्रिया अपने बुद्धि में जागृत होवे, जिसके द्वारा तत्व का चिंतन और तत्व की प्राप्ति ये स्वाभाविक हो जाती है। तो हमारे इंद्र महाराज की कहानी है कि जब उन्होंने अपने सिंहासन पर बैठा और सभी प्रकार का त्रिलोकी का राज्य उनके पास आ गया तो उनको बड़ी घमंड आ गई। व्यक्ति को एकाध बार असफलता पचाने का सामर्थ्य होता है, सफलता पचाने का सामर्थ्य बहुत कठिन है। फेल्यूअर्स मे बी डाइजेस्टेड, सक्सेस इज वेरी पॉइजनिंग। और उसके कारण आदमी इतना एरोगेंट हो जाता है, इतनी घमंड आ जाती है, और यही घमंड इंद्र के जीवन में आने लगी। जब आदमी को घमंड आ जाती है, एरोगेंस, तो उसका प्रभाव कैसा है, पहला प्रभाव धर्म का उल्लंघन होने लग जाता है। सभी के सभी जितने भी धर्मशास्त्र के नियम इत्यादि है, नीति नियम है, उन सब का उल्लंघन करके व्यक्ति अपने मर्जी से हम कहेंगे वो पूर्व दिशा, इस प्रकार से वह व्यवहार करने लग जाता है। और एक बार सभा में सबके सामने ये बैठे हुए थे इंद्र महाराज अपनी पत्नी शशि के साथ, और उनके अगल बगल में सभी वहां के देवता गण थे, 49 मृतगण, 8 वसु, 11 रुद्र, आदित्य, रुहुगण, विश्व देव साध्यगण और अश्विनी कुमार, सभी के सभी उनकी सेवा में थे। उसी प्रकार से सिद्ध, चारण, गंधर्व, ब्रह्मवादी, मुनिश्वर, विद्याधर, अप्सरा, किन्नर, पक्षी, नाग, ये सभी की सभी भिन्न भिन्न योनियां हैं। ये सभी योनियों के जितने भी मनुष्य योनि छोड़ करके सभी लोग वहां उपस्थित थे और उनके कीर्ति का गान हो रहा था। और उस प्रकार से बड़े माने अपने ऐश्वर्य में वो लतपथ थे। और उसी समय ऐसे हुआ कि बृहस्पति जी महाराज वहां आ गए। जब वो बृहस्पति जी आ गए, वो कौन थे कि जिनको सभी नमस्कार करते थे, सभी आदर करते थे, यहां तक कि असुर भी उनको कभी अनादर से नहीं देखते थे। ऐसा हुआ और फिर भी यह इंद्र अपने इस ऐश्वर्य के गर्व में इतना लोतपोत था कि उसने ऐसे विद्वान ब्राह्मण और गुरु के स्थान पर रहने वाले बृहस्पति जी को देखकर भी ना तो उठ के खड़े हुए, ना तो उनका आदर किया,
और ना तो अपने आसन से हिले डुले, यहां तक के कि उन्होंने ऐसा जताया कि आई केयर नॉट फॉर यू। इस प्रकार से जब उन्होंने अपने गुरु के प्रति अपमानित व्यवहार किया तो वहां से सीधे उठ करके वो अपने घर चले गए। देखो एक बात शिवजी ने भी बताई थी, अब जहां अपना अपनी आवश्यकता ना हो और जहां हमको बुलाया ना गया हो ऐसे स्थान पर व्यक्ति ने कभी नहीं जाना चाहिए। उसके द्वारा हम अनावश्यक एक हमारे अंतकरण में वातावरण निर्माण कर देते हैं और जिसके द्वारा अंतकरण भ्रष्ट और दुखी हो जाता है। एक बात याद रखना, जितनी भी हमारे जीवन की कलाएं हैं उन कलाओं का तात्पर्य केवल दो बातों में है, एक है अंतकरण की शुद्धि और दूसरी है अंतकरण की एकाग्रता। अंतकरण की शुद्धि का तात्पर्य है हमारे हृदय पर जगत के साथ व्यवहार करते समय कोई संस्कार निर्माण न होवे, कोई भी संस्कार, ना राग का संस्कार ना द्वेष का संस्कार। और संस्कार कब निर्माण नहीं होंगे, जब हम प्रत्येक अनुभूति से प्रत्येक इंटरेक्शन से कुछ न कुछ सीखेंगे तब संस्कार निर्माण नहीं होते। और दूसरी बात, हमारा मन एकाग्र हो, जहां हम चाहे वहां हमारा मन जितने समय तक चाहे उसी कार्य में लगा रहे। इन दो चीजों के प्राप्ति के लिए हमारा जीवन का व्यवहार है, ये समझ करके जिसने जीवन जिया है वही साधक है। ऐसा जो नियंत्रित मन है वही आगे तत्व का चिंतन कर सकता है, अन्यथा नहीं। तो उन्होंने इस प्रकार से जब बृहस्पति जी का अपमान किया चले गए, और जब वो चले गए बृहस्पति जी तब इंद्र को ट्यूबलाइट लगा। फिर उसने सोचना शुरू, तरहे व प्रतिबुद्धेन्द्र गुरु हे ननमात्मन गर्हयामास सदसि स्वयं आत्मनमात्मना। फिर उसको अपने गलत व्यवहार का दुख होने लगा और फिर सोचा कि देखो मैं कितना मूर्ख हूं, मैंने सभा में आए हुए अपने गुरु महाराज का अपमान किया है और इसीलिए वो स्वयं की ही निंदा स्वयं करने लग गए। कहते अहो बदम ममा साधु कृतम वही दभ्र बुद्धिना, देखो मैं ऐसे मूर्खता के वश में आकर के और ऐश्वर्य से मद से पूर्ण होकर के नशे में चूर हो गया और अपने गुरु का तिरस्कार किया, बहुत निंदनीय कर्म है। और इस प्रकार से वो अपने ही इस व्यवहार को लेकर के दुखी होने लगे। और ये बात हम सबको समझनी है, दो चीजें से हमको समझनी है। पहली बात, हम अपने जीवन में ऐसा समय न आने देवे कि जिसके बाद फिर पछताना पड़े। आदमी क्यों पछताता है, जब कोई गलत कार्य हो जाता है तो गलत कार्य कब हो जाता है, जब व्यक्ति मोह के प्रभाव में आकर के जीवन जीता है। और मोह का प्रभाव कब आता है, जब हमारा मन परमात्मा के चरणों से हट करके इन ईंट पत्थरों में फंस गया है, तब व्यक्ति के मन में मोह आ जाता है। इसीलिए सावधानी का नाम ही साधना है। प्रत्येक क्षण हमारे जीवन का ऐसी सावधानी से चले कि हमारे द्वारा कोई गलत कार्य ना हो। और सबसे गलत कार्य, सबसे बड़ा पाप यदि जीवन में कोई है तो हम स्वयं अपनी नजर से गिर जाए। जब व्यक्ति के अंतकरण में ग्लानि होती है अपने ही दुष्कर्मों के कारण, तो व्यक्ति अपने आप का नाश करने पर तुला हुआ है। तो इस प्रकार से इनके मन में बहुत बहुत ही अपने व्यवहार के कारण दुख हुआ। तेषां उपद दृष्टेणां दृष्टृणां पततां तमसी है कहा, जो इस प्रकार से पत्य चलते हैं ऐसे मार्ग, ऐसे लोग नरक में ही गिरते हैं और उनके बातों पर विश्वास करने वाले का भी सत्यानाश हो जाता है। तो मैंने बृहस्पति जी वो आए फिर भी उनका आदर नहीं किया, अब मैं उनको नमस्कार करके उनकी माफी मांगूंगा, इस प्रकार से वो विचार करने लगे। और जब ये बात हो गई
तो बृहस्पति जी अपने घर से भी योग मार्ग से एकदम अंतर्धान हो गए और उनको कोई पता ही नहीं लगा कि कहां चले गए। जब ये हुआ तो इंद्र एकदम घबरा गया और घबराने के बाद उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई कि क्या करे कैसे करे। मनुष्य का जीवन दो शक्तियों से चलता है। इंद्र है हमारे हाथों की देवता क्रिया शक्ति, बृहस्पति जी है हमारी बुद्धि। जिन हाथों के पीछे बुद्धि का विजडम या बुद्धि का दर्शन नहीं होता वे हाथ गलत कार्यों में तुरंत लग जाते हैं। और गलत कार्य क्या है? गलत कार्य ये है कि धर्म क्या है अधर्म क्या है ये नहीं समझना, उसके बाद अधर्म को धर्म समझ लेना, ये सभी के सभी बातें गलत कार्य के ही प्रारंभ में होती है। और यही बात हमारे इंद्र महाराज की जीवन में हुई। उनमें क्रिया शक्ति तो थी लेकिन जब बुद्धि का सामर्थ्य जो गुरु के माध्यम से उनके पास था वो जब नष्ट हो गया तो वो बड़े दुखी हो गए और फिर सोचने लगे कि अब हम अपने स्वर्ग की रक्षा कैसे करें। लेकिन उनका चित्त बुद्धि किसी भी प्रकार से योग्य विचार नहीं कर सकता था। देखो हम लोगों ने देखा है और आगे भी जाके देखेंगे 11वें स्कंध में भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को बताते हैं कि जीवन में चाहे हमको कुछ करने को मिले ना मिले, युद्ध क्षेत्र को जाने को मिले ना मिले, सबसे बड़ी साधना है जीवन में सत्संग नित्य होना चाहिए। और सत्संग में क्या होता है? वहां जाकर के हम कोई बैट कोट और कोई सूर्य नमस्कार तो नहीं निकालते, वहां जाकर के एक ही बात होती है, हमारी जो विचारों की धारा किसी भी कारण से उलझ गई हो, बहिर्गामी हो गई हो और हम अपने ही विचारों के जाल में फंस गए हो, तो वहां से निकालने का एकमात्र उपाय है अपने जीवन में सत्संग का होना। और हमको एक बार हम अमेरिका गए थे तो हमको किसी ने पूछा कि स्वामी जी अपने इंडिया में इतने साइकेट्रिस्ट नहीं है जितने अमेरिका में है, इसका कारण क्या है? हमने कहा इसका कारण ये है कि इंडिया के जो साइकेट्रिस्ट है वो बिना डिग्री के है और वो बिना पैसे के ट्रीटमेंट कर देते हैं। नहीं कैसे बहुत सारे हैं। तो हम साधु संतों के पास जाकर के करते क्या है? अपना ही रोना रोते हैं, इसने ऐसा किया उसने वैसा किया हम क्या करें। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, एक घर की बात, पति पत्नी और लड़का और बहू चारों घर में 24 घंटे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र शुरू, एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। और फिर वो पति पत्नी आकर से मेरे से बात करते वो चले गए, फिर वो लड़का और उसकी बहू आकर के बात करते वो चले गए, और मैं सुन सुन के तंग आ गया। मैंने बोला देखो तुम चारों इकट्ठे आ गया और मैं कब तक सुनता रहूं, फ्री में मिला से मतलब थोड़ी के मार डालो। और फिर चार बार आ गए, मैंने कहा शुरू हो जा चुप। हमने कहा अब निकाल डालो सब जो जो करना है, सब अपनी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो निकाल डालो। बोले स्वामी जी एक्चुअली देर इज कम्युनिकेशन गैप। आई सेड नो देर इज नो कम्युनिकेशन गैप, देर इज अ पॉजिटिव मिसअंडरस्टैंडिंग। कम्युनिकेशन गैप नहीं है, और वो क्या है? एक दूसरे को समझने को तैयार नहीं, एक दूसरे को माफ करने को तैयार नहीं, एक दूसरे के केवल दोष ही दोष देखते हैं। उसने ये किया उसने किया कह के हाँ कब तक? हमने कहा हम आपके जगह होते हैं तो आत्महत्या कर लेते, आप चारों आत्महत्या कर। ये कोई जीवन है? मेरे स्वामी जी आप ही ऐसा कर रहे, मैंने नहीं तो मैं कर लूंगा, नहीं तो झगड़ा करना बंद कर दो। तो मनुष्य की बुद्धि जब भ्रष्ट हो जाती है तब हमको मदद यदि कोई करता है तो केवल सत्संग। इसीलिए जब उनके पास किस प्रकार का विचार ठीक से नहीं हो रहा था और उसी समय दैत्य और उनके गुरु शुक्राचार्य जी उन्होंने संगत बना दी और कह दिया अब जाकर के धावा बोल दो स्वर्ग पर और उस स्वर्ग को जीत लो जहां हमारे जीवन की शक्ति योग्य विचार से रहित हो जाती है
तो वह शक्ति क्षीण होने लग जाती है। यही बात इंद्र के जीवन में हुई और सभी देवताओं पर दैत्यों ने हमला कर दिया, खूब उनको मारा पीटा और धीरे 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 उन्होंने यह साम्राज्य ले लिया। और ये जब बात हुई तो ब्रह्मा जी के पास ये लोग गए और बताया ऐसा ऐसा है, हम क्या करें कैसे करें। ब्रह्मा जी ने कहा हाँ ये बहुत बुरी बात हो रही है, लेकिन तुमने भी तो बुरा काम किया था, अपने गुरु का अपमान किया। और ब्रह्मिष्ठम ब्राह्मणम दान्तम ऐश्वर्यान न अभिनंदत, तुमने अपने ऐसे ऐश्वर्य के मद में आकर के जो ब्राह्मण है ब्रह्मनिष्ठ है ऐसे संत का तुमने बहुत अपमान किया है, सत्कार नहीं किया। और उसी के कारण तस्य अयम अनस्य आसीत परे भ्याव पराभवः, पर इसीलिए तुम उनके द्वारा पराभूत हो रहे हो और इसीलिए अब हम क्या कर सकते हैं। फिर उन्होंने बताया कि पहले भी देवताओं ने दैत्य में ऐसा ही किया था और फिर उन्होंने धीरे धीरे अपने गुरु शुक्राचार्य की आराधना करी और फिर वो धनवंत से संपन्न हो गए, इसलिए तुम भी ऐसी ही बात करो। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम जाकर के त्वष्टा के पुत्र ईश्वरू उसके पास जाओ और वो बड़े ब्राह्मण है, तपस्वी है, संयमी है, उनका सम्मान करो और उनको प्रसन्न करो और वो तुम्हारा पौरोहित्य का काम करेंगे और फिर जाकर के तुम इन दैत्यों पर विजय प्राप्त करके सुखी हो जाओ। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने देवों को सबको बताया। तो ये लोग विश्वरूप के पास आ गए। विश्वरूप ऋषि के पास आने के बाद देवता ने उनको पहले आशीर्वाद देना शुरू कर दिया। वयम ती तिथय प्राप्त आश्रम भद्रमस्तु दे काम संपाद्यता पितृणाम सर्वयोचित पुत्राणाम भी परो धर्म पितृशुश्रूषण सताम अपि पुत्रवताम ब्रह्मचारिणाम आचार्यो ब्रह्मणो मूर्ति पिता मूर्ति प्रजापते भ्राता मरुत्पते मूर्ति माता साक्षात तिथे तनु। उन्होंने देवताओं ने जाकर के इन विश्वरूप जी को बताया कि देखो बेटा विश्वरूप तुम्हारा कल्याण हो और हम तुम्हारे पास ऐसे से काम लेके आए हैं और ये बच्चों का कर्तव्य बनता है कि वो बड़ों की अपने माता पिता की सेवा करे, तो इस समय हम बड़े दुखी है और हमको इन दैत्य ने जीत लिया है, इसलिए तुम आकर के अपने तपोबल से हमारा दुख दारिद्र्य और पराजय इसको हटा दो और तुम हमारे गुरु बनो और हमारा यह कार्य आपके शक्ति से निश्चित संपन्न होगा। ये कहने के पश्चात शुद्ध जी महाराज बताते हैं ऐसे जब प्रार्थना सुनी तो विश्वरूप कहते हैं विगर्हितम धर्मशील ही ब्रह्म वर्ष उपव्ययम कथम नो मद्वितो नाथा लोकेश अभियाचितम। जीवन में पुरोहित का जो काम है पौरोहित्य उसके द्वारा ब्रह्म तेज नष्ट हो जाता है। ध्यान से सुनना, हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज उनके घर में यह पौरोहित्य का काम हमेशा वंश परंपरा से चलता आ रहा था। उनके दादाजी के दादाजी उनके दादाजी उनके पिताजी सब करते थे और ये भी करते थे और इसीलिए बचपन से उनको सब चीजें कंठस्थ थी, याद थी। और एक बार उन्हें ऐसा हुआ कि वो चंडी का पाठ कर रहे थे सप्तशती का किसी यजमान के लिए और उसमें आता है ये करने से ये होगा, ऐसा होगा, वैसा भला होगा, इतना करना चाहिए, वो करना चाहिए। बोले एक बार मैं कर रहा था, मेरे दिमाग में याद आया मैं ऐसा कह रहा हूं पढ़ रहा हूं और केवल उसका विश्वास होने से श्रद्धा होने से उसको लाभ होगा और मुझे क्या मिल रहा, इतनी सी दक्षिणा। और फिर उनके मन में एकदम सभी चीजों के बारे में वैराग्य हो गया और फिर वो इस तत्व चिंतन में लग गए। ये जो पौरोहित्य का काम है ये केवल हमको समाज में या संसार में ही फंसाता है, इसलिए उसकी बड़ी निंदा करी गई है। फिर भी आप तो मेरे स्वामी हो तो मैं कैसे नहीं कह सकता हूं और आपके आज्ञातों का पालन करना ही है और हम लोग हैं कैसे हैं कि जो कुछ हमको मिला मिल जाता है अकिंचन है उसी को लेकर के हम अपना कार्य करते हैं और फिर भी आप लोग आए हैं तो आपका कार्य मैं तन मन धन से पूरा करूंगा। इस प्रकार से उन्होंने
सुखदेव जी महाराज कहते हैं वो बड़े तपस्वी थे विश्वरूप जी, तो उन्होंने वरण किया और इनको वैष्णवी विद्या दी और वैष्णवी विद्या के द्वारा इंद्र का बल बढ़ गया और फिर उन्होंने यह राक्षसों को या दैत्यों को जीत लिया। जब ऐसी बात हुई तो सवाल आया ये वैष्णवी विद्या कौन सी है जिसके कारण ये इंद्र इतना जल्दी प्राप्त करके शक्ति फिर जीत गया, तो इसको कहते हैं नारायण कवच। यह भागवत महापुराण का सबसे श्रेष्ठ और सबसे बड़ा शक्तिशाली मंत्र समुदाय है। जिनको जिनको अपने जीवन में यश बल शक्ति भगवान की आराधना करनी है उनके लिए इस नारायण कवच का उपदेश करते हैं। इसको विस्तार से तो हम क्या बताएंगे, हम शॉर्ट में आपको बताते हैं। परीक्षित राजा ने पूछा, जया गुप्त सहस्त्राक्ष सवाहान रिपुसैनिकान क्रीडन निव निर्विजित त्रैलोक्यम भगवस्तन ममाख्या ही वर्म नारायणात्मकम यथा आतताय नाशत नुंधीन गुप्तो अजयन थे। हे भगवान हमें बताइए कि जिस इंद्र ने इतनी बड़ी सेना को बिल्कुल बड़े अनायास से ही उसको हरा दिया है तो वो नारायण कवच क्या है और उससे रक्षित होकर के वो किस प्रकार से शत्रु पर विजय प्राप्त कर दिए उसको हमें बताइए। तो सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि जब ये विश्वरूप पुरोहित बना दिए गए थे तब उन्होंने नारायण कवच का उपदेश इंद्र को किया था विश्वरूप ने और उसको मैं तुमको बताता हूँ, एकाग्रता से सुनो श्रुणो एक मनस एक बना श्रो विश्वरूपो वाच। विश्वरूप ने कहा है कि भौदांग्रि पाणी राचम्य सपवित्र उदंगमुख कृत स्वांग करन्यासो मंत्राभ्याम वाग्यत शुचि नारायणमय वर्म सन्नहि भयागते पादयोर्जानयोर्नोर्पूर्वे उदरे हृदयोरसि। उन्होंने बताया कि पूरे के पूरे अपने देह में भगवान को जागृत करना है। जो लोग ये कर्मकांड इत्यादि जानते हैं उपासना जानते हैं उनको पता है, जैसे अपने पूरे जो अंग है सभी अंगों में भगवान का वास है, केवल वहां उस परमात्मा के उपस्थिति को हमको समझना है जागृत करना है समझ को जागृत करना है। और इसीलिए इसमें पहले बताते हैं कि ओम नमो नारायणाय, इस पहले उन्होंने कहा कि हाथ पैर धोकर के आचमन करके पवित्रता से बैठ ले और बैठने के बाद फिर कुछ नहीं बोलने का निश्चय कर ले, इधर उधर की बातें बंद कर ले और फिर ओम नमो नारायणाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इन मंत्रों के द्वारा हृदय नाश अंगनाश अंगुष्ठ आदि न्यास करें। तो हृदय नाश माने हृदय में परमात्मा है, फिर आंखों में है, फिर सर में है और फिर भिन्न भिन्न अंगों में, उसके बाद हर एक मंत्र के बाद वो कहते फिर अपने सभी उंगलियों में जैसे अपने ये कनिष्ठिका में फिर अनामिका फिर मध्यमा उसके बाद सर्जनी फिर अंगुष्ठ और करधर कलपृष्ठाभ्याम, तो ये 10 स्थानों पर तो ये सभी के सभी मंत्र न्यास इत्यादि भगवान के ये 2 मंत्र है ओम नमो नारायणाय और ओम नमो वासुदेवाय इस प्रकार से करे। और फिर देह का जो न्यास है उसमें अपने पैर घुटने जांग पेट हृदय वक्षस्थल मुख और सिर इसमें न्यास करें, उसी प्रकार से मकार के साथ नी ऊपर से लेकर के नीचे न्यास करें और फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय जो द्वादशाक्षर मंत्र है उसके द्वारा ये जो 10 उंगलियां और करतल और करपृष्ठ इनके ऊपर न्यास करें और फिर ओम विष्णवे नमः इस मंत्र के द्वारा वी के द्वारा ओम के द्वारा हृदय में वी के द्वारा ब्रह्मरंध्र में श के द्वारा बहु के बीच में माने हमारे आज्ञा चक्र में न के द्वारा चोटी में और वे के द्वारा नेत्रों में और न के द्वारा सभी शरीर के गांठों में न्यास करें। उसके बाद ओम महा अस्त्राय पट इस प्रकार से करके दिग्बंध कर दे और इस प्रकार से पूरा का पूरा जो हमारा देह है वो मंत्र शक्ति से अभिभूत अभिभूत हो जाता है। ध्यान से सुनना, इस जगत में मंत्र शक्ति अत्यंत प्रचंड है,
और ये मंत्र शक्ति कोई ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया ऐसे कुछ नहीं होता, इसको यदि अनुभूत करना है मंत्र शक्ति का सामर्थ्य तो ऐसे करना, कोई डिशिंग डिशिंग सिनेमा देकर के रात को सेकंड शो देकर के कोई आ रहा और लंबा चौड़ा हो, मोटा धागा तगड़ा ताकतवर, उसके सामने जाकर के खड़े रहो और उसको गाली दे दो, बेवकूफ कहां से आए हो, तो आपने बेवकूफ कहां से आए हो ये मंत्र का उच्चारण। अब इस मंत्र के उच्चारण के बाद देखो उसमें उस देवता में कितनी शक्ति जागृत हो जाती है, एकदम उसकी जो मसल्स है फ्लेक्स हो जाएगी और इतनी इजीली लैंड हो जाएगी नाक के ऊपर में कि नाक पीछे से निकल आएगी। ये सब मंत्र शक्ति का। जब गाली देने से अगला आदमी इतना चेतन हो जाता है तो ये जो शास्त्र के मंत्र है कि इनके द्वारा परमात्मा की अनुभूति नहीं होगी, इसलिए कई बार हमको लगता है कि ये कल्पना मात्र है, कल्पना नहीं है, ये सभी शास्त्र सम्मत है। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा अपने देह पर न्यास कर ले ताकि हम मंत्र स्वरूप हो जाते हैं। तो इसी बात कहते हैं आत्मानं परमं ध्यायेत् धियं षट् शक्तिभिर्युतं विद्या तेजस तपोमूर्ति एवं मंत्र उदाहरे। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से संपूर्ण प्रकार से अपने देह में आह्वान कर लेता है भगवान की शक्ति का, तो उसमें यह ऐश्वर्य धर्म यश लक्ष्मी ज्ञान और वैराग्य इन छह चीजों को कहते हैं भग। तो भगवान जो कहते हैं ना भगवान कृष्ण, भगवान है जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य हो, धर्म हो, यश हो, लक्ष्मी हो, ज्ञान हो और वैराग्य हो। यह श्लोक आता है विष्णु पुराण में, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्य श्रियः ज्ञान वैराग्ययो षण्णा भगवत इति ऋणा। तो ये छह है, इनको उनसे परिपूर्ण होकर के भगवान का ध्यान करे और उसका चिंतन करे, उसके कारण व्यक्ति के जीवन में यह विद्या तेज और तपस्वरूप इस कवच का पाठ करने की संभावना है। और फिर यहां से 12वें मंत्र से यह नारायण कवच का उपदेश माने पाठ करना शुरू हो जाता है। तो ये 12वें श्लोक से लेकर के यह चल जाता है 34वें श्लोक तक के, ये जितने मंत्र है इन मंत्रों में मुख्य रूप से जैसे जिन्होंने रामरक्षा पढ़ी है अभी अपने जीवन में, रामरक्षा में मंत्र आता है शिरो में राग वप्पा तु भादम दशरथात्मजहा, तो हे राघव मेरे सर की रक्षा करो, पातु माने रक्षा करो, भालम दशरथात्मजा मेरे भाल माने कपाल की रक्षा, हे दशरथ के पुत्र मेरी रक्षा करो। इसी प्रकार से यह जो नारायण कवच है इसमें भगवान के भिन्न भिन्न जो अवतार है रूप है उसको लेकर के कहते हैं कि पाषाण दधानो अष्ट गुणो अष्ट बाहु। हे भगवान जो गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण रखे हुए है, अणिमादि आठों सिद्धियों उनकी सेवा कर रही है, आठ हाथों में शंख चक्र गदा पद्म और ढाल दरबार बाण धनुष इत्यादि है, ऐसे ओंकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से हमारी रक्षा करे। और फिर भगवान का जो मत्स्य मूर्ति अवतार था उस प्रकार से सभी जो भगवान के भिन्न भिन्न रूप है उनका स्मरण करके हमारी रक्षा करे, ऐसी भगवान से प्रार्थना की जाती है। और जिन्होंने इसको अपने जीवन में किया है, हम जानते हैं एक सज्जन को, उन्होंने अपने जीवन में इस नारायण कवच का हमेशा पाठ किया, उनका एक ही चलता रहता था, वो वैष्णव थे। तो उनके जीवन में एक विशेषता देखी, हमेशा प्रसन्न रहते थे, मन में डर किसी बात का था ही नहीं। जो व्यक्ति डरता नहीं वही प्रसन्न रह सकता है, जिसके मन में डर है वो प्रसन्न नहीं रह सकता। मैं डर डर के प्रसन्न हूं तो ऐसे नहीं हो सकता, आदमी डर डर के दुखी होता है, प्रसन्न नहीं हो सकता। तो यह जीवन की परिपूर्णता इस मंत्रों के द्वारा होती है। तो आगे कहते हैं विश्वरूप महाराज कि मघवन इदम आख्यातम वर्म नारायणात्मकम विजेश्य अंजसा येन दंशितो सुरयूथपान। अब तुमने यह नारायण को सुना है और अब तुम अपने आप को सुरक्षित कर लो, तो फिर सभी के सभी दैत्यों को तुम इसे
जीत पाओगे। धारय मानस्तु यम यम पश्यति चक्षुषा पदावासंसु श्री सत्य साध्वसा विमुच्यते। जो व्यक्ति इस नारायण को इसको धारण करता है और ऐसे व्यक्ति ने किसी को अपने आंखों से देख लिया या पैसे छू दिया है तो उस व्यक्ति के भी जीवन का भय इत्यादि नष्ट हो जाता है। और इसलिए जो व्यक्ति इस वैष्णवी विद्या को धारण करे उसके जीवन से सभी प्रकार के जो अनिष्ट भय इत्यादि है वो समाप्त हो जाते हैं। फिर उन्होंने बताया कि एक कौशिक गोत्री के ब्राह्मण को भी इसी प्रकार से उन्होंने विद्या धारण कर ली और ये उसके बाद उन्होंने योग बल से अपने देह का त्याग कर दिया, देह वही था। तो एक बार ये विद्याधरों के जो मुखिया थे गंधर्वराज चित्ररथ जो ऊपर से जा रहे थे विमान से, तो उनके ऊपर से जब विमान गया तब ये नीचे गिर पड़े और फिर उनको बताया गया कि यहाँ ये नारायण कवच धारण करने वाले योगी ने अपने देह का त्याग किया था। फिर उन्होंने उनकी हड्डियां उठाई और उनका योग प्रकार से विलय इत्यादि कर दिया। कहने का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति इस नारायण कवच को अपने जीवन में उतारता है वह व्यक्ति निश्चित रूप से अपने आप को बलवान कर लेता है। अब जरा चिंतन करेंगे इसके ऊपर। मनुष्य की जो शक्ति है ये जब तक भौतिक रहती है, भौतिक शक्तियां कौन सी कौन सी है? एक तो है पैसे की शक्ति, हम पैसे का आश्रय लेकर के जीवन को सुधारना चाहते हैं। दूसरी है हमारे जो अगल बगल लोग होते हैं उनकी शक्ति, वो आकर के मदद करेंगे, वैसा आकर के मदद करेंगे। तीसरी शक्ति होती है गवर्नमेंट की, शक्ति है कि फेल्यूर है बात दूसरी है लेकिन कहते गवर्नमेंट की, तो जो शक्ति है वो गवर्नमेंट हमको प्रोटेक्शन देगी। चौथी होगी ये पुलिस या सैन्य बल, ये सभी की सभी शक्तियां परावलंबी है। इन शक्तियों का आधार देकर के आज तक किसी का भला नहीं, तो हमको जागृत करनी है आत्मशक्ति। और ये आत्मबल या आत्मशक्ति जागृत करने के लिए ही सबका उपयोग है। और आत्मशक्ति आत्मबल किसका है ये हो सकता है जागृत केवल आध्यात्म क्षेत्र में प्रवेश करके, बाहर के जगत में हो ही नहीं सकता। और आत्मबल आत्मशक्ति की बात क्या है हम आपको शॉर्ट में बताएंगे। ये विषय यहां नहीं है लेकिन इस नारायण कवच के शक्ति के द्वारा जो प्रभाव हमारे जीवन में आता है वो समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं। ये भागवत महापुराण का विषय नहीं है। देखो परमात्मा की जो शक्तियां हम सबको समझ में आ सकती है तुरंत साधारण व्यक्ति को, वो तीन शक्तियां हैं। एक तो है द्रव्य शक्ति जो हमारे देह से प्रारंभ होकर के जगत के सभी भौतिक वस्तुओं में है। दूसरी है प्राण शक्ति जो हमारे माध्यम से अनेक प्रकार की क्रियाएं कराते हैं और वो प्राण शक्ति हमारे श्वासों के साथ जुड़ी रहती है। और तीसरी है ज्ञान शक्ति जो हमारे मन के संकल्प की शक्ति है। तो जितने हम स्थूल से हटकर के सूक्ष्म शक्तियों के साथ तादात्म्य करके रहेंगे उतना हमारा आत्मबल जागृत हो रहा है। और इसके बारे में कथा आती है कि विश्वामित्र जी बहुत बड़े राजा थे और उस समय वशिष्ठ जी साधु संत थे, ऋषि थे और उनके पास यह कामधेनु गाय थी। तो इन्होंने सोचा विश्वामित्र ने मैं राजा हूं, ऐसी संपत्ति तो राजा की होनी चाहिए, बाबा जी को क्या जरूरत है, इसीलिए गाय मुझे दे। तो उन्होंने कहा कि नहीं ये गाय आपको नहीं मिल सकती। तो बोले कैसे नहीं मिल सकती। फिर उन्होंने उनके आश्रम पर हमला बोल दिया। जब हमला बोल दिया पूरे सैन्यों के साथ तो वशिष्ठ जी ने उसी गाय से अनेक सैन्य निकाले क्योंकि वो कामधेनु थी, केवल दूध ही नहीं जो चाहो मिलता था। और फिर उन्होंने विश्वामित्र जी उनके सैन्य को हरा दिया। तब उनको पता चला यह क्षात्र तेज से माने भौतिक शक्ति से ब्रह्म तेज ज्यादा तगड़ा होता है। और फिर उन्होंने साधना करके राजर्षि हुए और फिर ब्रह्मर्षि हुए। तो यही बात हमको यहां समझती है कि स्थूल शक्ति से हट करके सूक्ष्म शक्ति की तरफ
जाने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को कहते हैं आध्यात्मिक जीवन और उसमें उन्नति। और उसके लिए करना क्या है, उसके लिए करना यह है कि अपने जीवन में भौतिक वस्तुओं के प्रति जो महत्वबुद्धि है वह कम करनी है पहली जीवन की साधना। और दूसरी स्टेप आ जाती है, यदि हम ये कर पाएंगे तो धीरे धीरे अपने स्थूल देह के साथ जो हमारा इतना लगाव है यह लगाव धीरे 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 कम होने लग जाता है। और जब हम ऐसा शरीर बन गया कि किसी एक स्थान पर रख दो तो एक आसन में घंटा दो घंटा आराम से बैठ सकते हैं, तो समझ लेना वो जीतासन हो गया। और फिर वह स्थूल देह से ऊपर उठ करके अपने प्राणों के साथ अब एक हो रहा है, क्योंकि अब देह उसको परेशान नहीं करता, क्योंकि देह को पार्किंग में लगा दिया, अब छुट्टी हो गई। और जब वो अपने प्राणों के साथ रहता है तो धीरे 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 इन प्राणों को भी सूक्ष्म बना करके प्राणों को मनस तत्व में विलीन कर देना है। तो द्रव्य शक्ति को जागृत करके हमने प्राण में ले आए और प्राण को मन में विलीन कर दिए। यदि हमारे प्राण मन में विलीन हो जाते हैं तो उस समय हमारा कोई भी संकल्प उसी समय संपूर्ण परफेक्टली पूरा हो जाता है, क्योंकि संकल्प अत्यंत सूक्ष्म है। और ऐसे संकल्प के पीछे जो तत्व है परमात्मा, वह है नारायण भगवान। उस कवच का, उसके भगवान के इस शक्ति को अपने चारों तरफ बना करके अपने जीवन को सुरक्षित रखना, इसके लिए यह नारायण कवच की विधि यहाँ भागवत महापुराण में दी है। और इसको जागृत करने के लिए जैसे जैसी विधियां है, नियम है, उसके अनुसार करने से निश्चित रूप से हमारा भला होता है। इसलिए ये मत समझ लेना कि ये बस कहानी कहानी चल रही है, उसमें कुछ नहीं है, ऐसी बात नहीं है, यह अत्यंत सत्य बात है। और जब तक हमारे हृदय में श्रद्धा नहीं होगी हम इसके द्वारा लाभान्वित नहीं होंगे। उसके पश्चात अब हम प्रवेश करते हैं नवी अध्याय में। श्री सुखदेव जी महाराज अपनी कथा प्रारंभ करते हैं कि हे परीक्षित, तस्यासन विश्वरूपस्य शिरांसि त्रीणि भारत सोमपीतं सुरापीतं अन्नादम इति सुश्रुम। हमने ऐसा सुना है इति सुश्रुम हे परीक्षित कि वो विश्वरूप जो था इसके तीन सर थे, और एक सर से वो सोम पीता था, दूसरे से सुरा और तीसरे से अन्न। इस प्रकार से वह तीन सिरों वाला विश्वरूप था। और उसके पिता त्वष्टा इत्यादि बारह आदित्य देवता थे, और वो हमेशा भगवान को ऊंचे स्वर से आहुति देते थे। और जब वो आहुति देता था तो छुप छुप करके असुरों को भी आहुति दे देता था, क्योंकि उसकी जो माँ थी वो असुरों की कूच की थी, इसीलिए अपने माँ के स्नेह में आकर के वो असुरों को भी आहुति देता था। और एक बार इंद्र ने देख लिया कि यह जो हमारा पुरोहित है वो आहुतियां हमको बलवान बनाने के लिए देने के स्थान पर ये तो आहुति दे रहा है कुछ कुछ असुरों को, ताकि वो भी बलवान हो जाए। और इसीलिए फिर यह इंद्र को बड़ा गुस्सा आया और कि यह धर्म के कोर्ट में लेकर के हमारा अपमान कर रहा है, कपट कर रहा है। और इसीलिए उसने तुरंत गुस्से में आया और उसे तीनों सर काट भी मार दिया। गुस्से में आकर के आदमी क्या नहीं कर सकता। इंद्र ने दूसरी बार ब्रह्म हत्या की, पहले बार भी की थी और दूसरी बार की। और फिर उसके बाद जो ब्रह्म हत्या हुई तो उन्होंने स्वीकार कर लिया, हाँ मैंने इनको मारा है, ब्रह्म हत्या हुई है। और उसके लिए उसके तो ब्रह्म हत्या से छूटने का कोई उपाय तो अनेक दिन तक विचार करते रहे, और फिर उन्होंने इस ब्रह्म हत्या को चार भागों में बांट दिया। इसको भी हम समझेंगे, चार भागों में बांट दिया कि पृथ्वी जल वृक्ष और स्त्री इन चारों को ये ब्रह्मत्या दे दी, और इसी के कारण इनमें ये चार शक्तियां इन चीजों में दिखती है। पृथ्वी में गड्ढा जो होता है तो धीरे धीरे अपने आप भर जाता है, और जल में जो दूसरा जो वृक्ष था उन्होंने वृक्षों को दे दिया, और वृक्ष का वृक्ष की वो ब्रह्मत्या के
स्वीकार करने के कारण जब कोई जगह कट जाता है तो वहां से कुछ सिक्रिशन होकर के जम जाता है, वही ब्रह्महत्या का रूप है। उसके बाद स्त्रियों को भी यह जो उनका मेंसेस पीरियड है वह भी ब्रह्महत्या के रूप में, रजस के रूप में उन्होंने स्वीकार कर लिया है इस प्रकार से। और जो जल है वो जितना जमीन से निकालो और निकल भी जाता है, तो यह फेन बुदबुदा आदि के रूप में पानी में अधिक पड़ता है। तो यह जो ब्रह्महत्या है चार भागों में बढ़ गई। अब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जब हमारे द्वारा कोई गलत कार्य हो जाता है, जैसे इंद्र के द्वारा हो गया था, तो उन्होंने अपने आप को छुपा करके बचा करके रखने का प्रयत्न नहीं किया, उन्होंने भगवान के सामने अपने आप को समर्पित कर दिया। एक बात ध्यान से रखना भैया, भगवान कहते हैं रामचरितमानस में कि मुझे छल कपट बिल्कुल पसंद है। जब हम भगवान के सामने जाते हैं तो पूरा निरावरण होके जाते, और जब तक निरावरण होकर के नहीं जाएंगे तब तक के हमारा भगवान के सामने समर्पण पूरा नहीं है। और ये बहुत बहुत आवश्यक बात है। एक हम आपको बात बताएं निरावरण की। एक बहुत ऊंचे दर्जे के साधक है, हमारे बड़े घनिष्ठ मित्र है, और जो भी वो साधना करते हमको बताते हैं, ये साधना हम आपको बता रहे हैं जो उन्होंने हमको बताई वही हम आपको बता रहे हैं। इसकी बड़ी टिप्पणी नहीं करेंगे, टिप्पणी आप अपने आप करो, मैं तो बोल रहा हूं। उन्होंने कई दिनों तक साधना करी और सब हमसे बातें पूछते थे कैसा करना है क्या करना, और उनकी भगवान के प्रति बहुत ही श्रद्धा है और वो उपासक भी बड़े अच्छे दर्जे के। एक बार उनको उन्होंने पूछा कि स्वामी जी मैं यहां तक आया हूं, मैं क्या करूं? हमने कहा कपड़े खोल लो, अपने कमरे में बिना कपड़े के भगवान के सामने बैठा लो। हमने कहा स्वामी जी आपने ऐसा क्यों कहा? हमने ठीक है कपड़े पहन के बैठो। तो बोले नहीं मैं इसलिए कह रहा हूं, मुझे 3-4 दिन पहले यही साक्षात्कार हुआ है, तो मैं आपसे पूछने वाला था कि ये कैसे मुझे लग रहा है कि जब मैं बैठा था तो मुझे स्पष्ट शब्द सुनने को आए निरावरण होकर के बैठो। तो समझ में निरावरण निरावरण माने क्या, तुम्हें आपको कुछ निरावरण माने क्या? हमने कहा कि धीरे 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 व्यक्ति जितना सूक्ष्म हो जाता है अपने देह से ऊपर उठने के पहले अपने कपड़े में जो अपनी ममता है महात्म्य है वो बुद्धि से निकल जाता है। इसीलिए यह जो अवधूत महात्मा होते हैं वो अवधूति का स्वरूप तब जीवन में आता है जब व्यक्ति स्थूल जगत से एकदम उपराम हो गया है। अभी हम गए थे एक स्थान पर तो वहां इन अवधूतों के साथ रहने का आनंद आया, इतनी मस्ती उनकी भरी हुई थी, कोई मतलब ही नहीं देह से, कौन क्या कहेगा, कैसा है, ठंड है गर्मी है, उसको खाने को कुछ मिला ना मिला। तो यह निरावरण होकर के जब हम भगवान के सामने जाते हैं तब जाकर के परमात्मा अपने आप को अभिव्यक्त कर देते हैं। यवै वेश वृणुते दीन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनु स्वाम। इस प्रकार से उन्होंने अपने धरती को स्वीकार किया और धीरे धीरे वह जो ब्रह्म हत्या का पाप था वो उन्होंने नष्ट कर दिया। उसके बाद जब विश्वरूप की मृत्यु हो गई थी तो उनके जो पिता थे स्पष्टा उनको बड़ा गुस्सा आया, गुस्से के सिवा कुछ होता ही नहीं। देखो ब्रह्मा जी को गुस्सा आया, नारद जी को शाप दिया। ब्रह्मा जी को गुस्सा आया, उन्होंने बच्चों को कहा तुम ऐसा क्यों करते बच्चे पैदा हुए। हर जगह देखेंगे आप पूरी सृष्टि में एक ही तत्व ऐसा है गुस्सा जिसके कारण सृष्टि चल रही है। आपको अपने जीवन में यदि वास्तविक कुछ प्राप्ति करनी हो तो हृदय से गुस्से को निकाल। हम गए थे अभी मानस कैलाश, उस समय कष्ट बहुत है वहां, वहां कोई पिकनिक के लिए तो जाना नहीं, और वहां अपने मानस सरोवर में स्नान भी हुआ, खूब 1 घंटे 1.5 घंटे नहाए हुए सबको हमने नलाया धुलाया, और फिर वहां रुद्र का पाठ किया, विष्णु सहस्रनाम का पाठ किया, और जब हम बैठे तो बोले स्वामी जी हम आपको क्या गुरु दक्षिणा दें। हमने कहा दोगे तो नहीं आप, लेकिन मुझे मांगने की आदत है मैं मांग लेता हूं, क्या नहीं घर आप कह दो आपको मिल जाएगा। हमने कहा
सबके हाथ पर हमने वो जल दिया, आपने जल दिया ले लिया और अब आके बंद करके अपने हृदय से कहो कि स्वामी जी हमने पूरा का पूरा गुस्सा आपको अर्पण किया है। स्वामी जी नहीं 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 मैं गुस्सा लेने को तैयार हूं, देने को क्यों तैयार नहीं है? ठीक है मुझे नहीं देना है तो अर्पण कर दिया। हाँ अर्पण कर दिया। दो मिनट होने के बाद फिर गुस्सा शुरू, अभी खाना नहीं मिला, अरे ये क्यों है, वो ऐसा क्यों करता है, खुशबू। देखो अपने जीवन में गुस्से को निकाल डालो बाबा, ये सबसे महाभयानक रोग है, महा अशना महापापमा विद्धि एनम इनम। भगवान कहते हैं अर्जुन को अपने जीवन में सबसे बड़ा शत्रु यदि कोई है तो यह काम क्रोध, यही अपने हृदय में सबसे बड़ा शत्रु है, उसको हमको हटा दे, अन्यथा हमने अपने जीवन में कुछ नहीं किया। तो त्वष्टा जी महाराज ने बहुत बड़ा यज्ञ किया और उसमें इंद्र को मारने के लिए कोई पैदा हो जाए इस प्रकार से मंत्र करके इंद्र का शत्रु उत्पन्न किया और उस इससे यज्ञ से एक भयानक दैत्य प्रकट हुआ और उसका रूप कोहरे के जैसा था। कोहरा कैसा होता है कि उसके हाथ पर इत्यादि स्पष्ट दिखते नहीं, फैला फैला सा होता है और हमारे दृष्टि पर पर्दा डालता है। इसी प्रकार से यह वृत्रासुर भयानक शरीर का और बहुत ही बड़ा लंबा चौड़ा निर्माण हुआ और उसने जाकर के सभी के सभी वहां के जितने भी ये थे देवता लोग उनको मारना तोड़ना शुरू कर दिया। और जब ऐसा हुआ तो फिर ये देवताओं ने भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान पता नहीं ये कहां से आ गया फट से होकर के, और फिर उन्होंने देवताओं ने भगवान से प्रार्थना करी कि फिर उसी प्रार्थना में पिछले वर्णन में आपको बताया था प्रार्थना के तीन चार रूप होते हैं। पहले रूप है प्रार्थना का भगवान से क्षमा मापन करना, उसके बाद दूसरा रूप है हमको जो चाहिए वो मांगना, तीसरी बात ये है भगवान के गुण और लीलाओं का वर्णन करना और चौथी बात ये है भगवान के तत्व का चिंतन करना। तो ये चारों प्रकार की बातें इनके प्रार्थना में आई और फिर कहते हैं कि हे भगवान आप ही सबके आराध्य है, परम देवता है और इस विश्व के कारण है, आपके सिवा कुछ होता है नहीं, हम ऐसे भगवान के हरि के शरण ग्रहण करते हैं, आप हमारा कल्याण करेंगे इसमें हमको कोई शंका नहीं। इसके बाद सुखदेव जी महाराज कहते हैं जब भगवान ने ऐसी भगवान की जब ऐसी स्तुति करेगी तो भगवान उनके सामने शंख चक्र पद्म इत्यादि उनके हृदय में प्रकट होंगे। भगवान का प्राकट्य हमेशा अंतकरण में होता है, ध्यान से सुनो, हमको जो भी ज्ञान होता है वह ज्ञान हमेशा मन के माध्यम से होता है। जैसे आप लोग मुझे देख रहे हो तो मुझे जो आप, मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूं ये कि मुझे सुन रहे हो ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि क्या पता सुन रहे कि सुन रहे। देखिए मैं कम से कम आप खुली रखोगे तो देख तो लेगी ही तो आप लोग मुझे देख रहे हैं, किसके द्वारा देख रहे हैं, आंखों के द्वारा, और आंखों के द्वारा देख रहे हैं लेकिन मन से देख रहे हैं। अब सवाल ये है कि आपको जो मेरे देह का ज्ञान हो रहा है कि मैं यहां बैठा हूं, ये ज्ञान आपके अंदर हो रहा है कि बाहर हो रहा है, कि आंखों में हो रहा है कि मेरे देह पर हो रहा है? तो इसका चिंतन करने से पता चलता है कि यह ज्ञान हमेशा मन में होता है और इसीलिए जब आप बैठे हो और आपका मन इधर उधर भटक रहा हो तो मैं तो बोले जा रहा हूं लेकिन आप सुन नहीं रहे, कारण क्या, कान भले खुले हो लेकिन मन उसके पीछे नहीं है तो हम सुनेंगे नहीं। तो माने जितना ज्ञान है वो मन के द्वारा होता है, यह कहने का तात्पर्य। अब परमात्मा का जो दर्शन होता है वो परमात्मा का दर्शन भी हमेशा अंतकरण में ही होता है, इसलिए जितने भी साधु संतों को भगवान के दर्शन का वर्णन आता है, जैसे अभी हमने आपको श्रीधर स्वामी की बात बताई, जब वो वहां समाधि के पास बैठ करके नित्य निरंतर जप करते थे भगवान के नाम का, श्री राम जय राम जय राम,
तो वहां उनको ऐसा ऐसे शांत होकर के बैठे थे, उनको ऐसा अनुभव आया कि चारों तरफ दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है, सभी प्रकार के भेद समाप्त हो गए और उस दिव्य प्रकाश का फिर जैसे सॉलिडिफिकेशन हो गया एकदम, और फिर उनके हृदय में एक भव्य मूर्ति निर्माण हो गई जो समर्थ रामदास स्वामी की स्वरूप था, और फिर उन्होंने उनको उपदेश दिया इत्यादि। तो ये जितना का जितना हुआ यह स्थूल जगत में नहीं होता, ये होता है अंतकरण में, अंतरदेश में, और इसीलिए शुद्ध अंतकरण को वसुदेव कहते हैं, और ऐसे शुद्ध अंतकरण में जो अवतरित होता है उसको वासुदेव भगवान कहते हैं। तो हमारी जितनी भी साधना है, भगवान की स्तुति है, इसके द्वारा जितना अंतकरण शुद्ध हो जाएगा उतने उस अंतकरण में परमात्मा का दर्शन होने की क्षमता बढ़ जाती है। तो सभी देवताओं को भगवान का दर्शन हुआ और उनका बड़ा ही सुंदर रूप था, उनके साथ पार्षद लोग भी थे और वो भी भगवान के जैसे ही थे, और उन्होंने सभी ने देवताओं ने भगवान को नमस्कार किया। तो उसके बाद फिर देवताओं ने भगवान की स्तुति करी कि हे भगवान, हम आपको नमस्कार करते हैं क्योंकि आप ही इन दैत्यों को जो यज्ञ इत्यादियों में विघ्न डालते हैं उनको नष्ट कर सकते हैं, और इस प्रकार से आप ही ओम नमस्ते अस्तु भगवत नारायण वासुदेवादि पुरुष महापुरुष महानुभाव परम मंगल परम कारण परम कल्याण परम कारुणिक केवल जगदाधार लोकैकनाथ सर्वेश्वर लक्ष्मीनाथ परमहंस परिव्राजक परमेण आत्मयोग समाधिना परिभावित परिस्फुट पारमहंस पारमहंस धर्मेण उद्घाटित तम कपाट कपाट द्वारे चित्ति अपावृत आत्मलोके स्वयं उपलब्धि निज सुखानुभव भवान। ये श्लोक नहीं है, ये पद्य में नहीं है, गद्य में लिखा है। तो आप ही सभी कुछ है और के दयालु है, सबके सर्वेश्वर है, सौंदर्य है और लक्ष्मी के पति है, परमहंस आत्म जो संत लोक है आत्मचयन रूप से हृदय में आपका ही चिंतन करते हैं, और आप सभी के हृदय में प्रकट हो जाते हो आवरण को नष्ट करके, तो ऐसे भगवान को नमस्कार करते हैं। इस प्रकार से उन्होंने भगवान की बड़ी स्तुति करी। ये स्तुति काफी लंबी है, दो तीन पेज चलती है, और ये स्तुति होने के बाद भगवान ने उनको बताया कि यह जो वृत्ताश्रुत है यह तुमको अब इसके बाद नहीं मार पाएगा, तुम जाकर के इसके ऊपर धावा बोल दो। भगवान का आशीर्वाद लेकर के सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान का सवाल करने पर वो प्रसन्न हो गए। फिर भगवान ने उनको कहा, फिर दूसरे बार एक उनका प्रसंग आता है कि उनको कहा गया कि जाकर के दधीचि ऋषि के पास चले जाओ और वो तुम्हें यह सब दे देंगे अपने देह की अस्थि, और उसके द्वारा वो उसे विश्वकर्मा से वज्र बना लेना और फिर उसका तुम नाश कर पाओगे उस वृत्रासुर। तो यहाँ दधीचि ऋषि को श्रेष्ठ स्त्री बताया है कि उनको शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान है और उन्होंने ही अश्विनी कुमारों को अपने घोड़े के सिर से उपदेश दिया था, उसके बारे में छोटी सी कथा आती है, उस पर हम नहीं जाएंगे। और इस प्रकार से तुम फिर उस वृत्रासुर को इनके हड्डियों के द्वारा बनाई गई वज्र से उनको मार पाओ। फिर ये देवता लोग अब प्रवेश कर रहे दशम अध्याय में, देवता लोग फिर चले जाते हैं दधीचि ऋषि के पास, और वहां जाने के बाद कहते कि आप हमको यह दे दीजिए। तो दधीचि ऋषि कहते कि भाई तुमको समझ में आता है कि नहीं, तुम क्या मांग रहे हो? सीधे जाकर के किसको कहना भाई तुम्हारी हड्डियां दे देना। प्रत्येक व्यक्ति को अपना जीवन प्यारा है, देह प्यारा है, और तुम आकर के मांग रहे हो, तुमको कल्पना कैसी हुई कि आकर के मुझे मारे करके मांग ले करके? और जब तक मनुष्य जिंदा रहता है तब तक के देह के साथ तो रह गए, और वह रहना चाहता भी है, प्रत्येक के लिए देह अत्यंत अनमोल प्रिय है। और फिर
उसको हम किस प्रकार से दें। देवताओं ने कहा कि देखो ब्राह्मण किन्नु तत्जस्त ब्रह्म भूमसाम भूता अनुकंपी नाम, आप तो सभी भूत अनुकंपी है, आप तो सभी के ऊपर में अनुकंपा करने वाले हैं, आपके लिए क्या असंभव है, और आपने तो सभी का भला करने के लिए सब चीजों का त्याग कर दिया है, तो देह का त्याग करके आपको हांडी देने में आपको कोई सी कठिनाई है। इस प्रकार से उन्होंने मांगते गए और जो बड़े होते हैं ननु स्वार्थ पर लोको नवेद पर संकटम यदि विदन आचेत नीति नाम यदीश्वर, सभी के सब लोग बड़े स्वार्थी है और यदि वो स्वार्थ नहीं होता तो दूसरे के संकट को कैसे पहचानते, इसीलिए आप हमको ये आपके देह और हड्डिया दे दो। उस समय उन्होंने कहा कि देखो मैं तुमको अपना सब दे देता हूं, क्योंकि देह तो एक दिन छोड़ना ही है, देह मुझे छोड़ने के स्थान पर मैं ही देह का त्याग कर देता हूं, क्योंकि अल्टीमेटली यही होना है। हमारे शास्त्रों की ये सब बहुत बड़ी देन है, लेकिन हम लोगों को समझ भी नहीं आते भगवान की लीला के कारण। जिस दिन हम अपने आप को देह से भिन्न स्वीकार करेंगे उस दिन के बाद हमारी विचार की प्रक्रिया बदल जाएगी, अपने विचारों में परिवर्तन लाने के लिए पहली आवश्यकता यह है कि हम अपने आप को देह से भिन्न स्वीकार करें। और वास्तविकता यही है, जहां हमने अपने आप को देह से भिन्न स्वीकार कर लिया है तो यह स्थूल जगत के राग द्वेष सभी के सभी गौण हो जाते हैं, उसका कोई महात्म्य नहीं रहता। तो उन्होंने कह दिया कि ठीक है, देह तो छोड़ने वाला है तो मैं उसको छोड़ देता हूं, और इस देह के द्वारा मनुष्य का मुख्य कर्म यही है कि सभी प्राणियों पर दया करे और फिर उसके द्वारा यश मिले तो ठीक है, नहीं तो ठीक है। उसके बाद उन्होंने कि जो व्यक्ति जैसे कहते हैं एतावान अव्ययो धर्म पुण्य श्लोक उपाचिता जो भूत शोक हर्षाभ्याम आत्मा शोचते रुष्यति, मनुष्य का जीवन परिपूर्ण तब है जब वो दूसरे के सुख दुख का लेकर के अपने जीवन में उसी प्रकार से अनुभव कर सके, माने दूसरे के सुख को लेकर के प्रसन्न रहे और दूसरे के दुख को लेकर के उनके कष्ट हटाने का प्रयत्न करे। यही दोनों मनुष्य जन्म के पूर्ण लक्षण है और परिपूर्ण कामना इसी में हो जाती है। और बाकी जो अहो दैन्य महो कष्टम पारकई क्षण भंगुर ही जन्नोप ऊर्जा अस्वार्थ ही मरते है स्वज्ञाति विग्रही। और बाकी दूसरी बात जो है कि दुनिया के चक्कर में फंसे अपने बुद्धि को लगावे परमात्मा के लिए नाचिए, इससे बढ़कर के मनुष्य जीवन में कोई दुख का कारण हो ही नहीं सकता। इस प्रकार यहां सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि दधीचि ऋषि ने ऐसा निश्चय करके तुरंत योग के माध्यम से अपने इंद्रिय प्राण मन बुद्धि को संयत कर लिया, सब बंधन कर चुके थे और उनका परमात्मा में विलीनीकरण हो गया और कब उनका शरीर छूटा उनको पता नहीं है। उसके बाद भगवान की शक्ति, भगवान का पौरुष बल, ये सब का सब जिस दधीचि ऋषि में मिल गया था, उनसे उनके हड्डियों से विश्वकर्मा के माध्यम से उन्होंने वज्र बनवाया और फिर जाकर के सभी देवता लोग तैयार हो गए, ऐरावत पर हाथ दिए, हमारे इंद्र महाराज बैठे और जाकर के उन्होंने रुद्रासुर को मारने के लिए पूरा शक्ति लगा कर धाव बोल दिया और फिर वे बहुत क्रोध से युद्ध करने लगे। और जब ऐसा हुआ तो ये संग्राम चल रहा था, सभी के सभी जितने देवता लोग थे वो भी भिड़ गए, जितने असुर थे उनके भी नाम यहाँ दिए हुए हैं, उनको मार रहे थे। तो सभी असुर लोग दुखी होकर के वहां से भागने की सोच रहे थे, क्योंकि उनके सभी शस्त्र अस्त्र इन देवताओं ने शत्रुओं के द्वारा नष्ट कर दिए थे। तो जब ये हुआ, जब भाग रहे थे, तो उस समय रुद्रासुर ने सबको कहा कि तुम यहाँ से जातस्य मृत्यु ध्रुव एष सर्वतः प्रतिक्रिया यस्य हित कृपा, तुम यहाँ से भागो मत, मरना तो सभी को है, मनुष्य के जीवन में बचने का कोई उपाय नहीं, मृत्यु यदि मिलना ही है तो मरने के दो प्रकार है,
इन दो में से एक प्रकार से मरो तो अपना भला हो। कौन से दो प्रकार है? दो सम्मता विह मृत्यु दुरापो यद ब्रह्म संधार नया जितासु कलेवरम योग रतो विजयान यद अग्रणी वीर शहीद अनिवृत्त। यदि हम निवृत्त मार्ग से रह करके और अपने जीवन में योगा अभ्यास इत्यादि करके ब्रह्मचिंतन के द्वारा अपने मन को प्राणों को एकत्र करके परमात्मा में लगा करके समाधि के माध्यम से देह का त्याग करना, यह एक मार्ग है। और दूसरा, यदि हम ये नहीं कर सकते, प्रवृत्ति में लगे हैं, तो युद्ध की भूमि पर युद्ध में मर गए हम स्वर्ग को प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए असुरों, तुमको यह बहुत सुंदर अवसर मिला है और इस अवसर के अनुसार तुम यहाँ से अब भागो मत, लेकिन यहाँ युद्ध करते रहो। इतना होने के पश्चात फिर यह वृत्रासुर जो है, इसकी वाणी है और इसका चरित्र भी आता है, वह बहुत ही श्रेष्ठ प्रकार का साधक था, भगवान का बड़ा भक्त था और उसने जो जो बातें इंद्र को बताई है, युद्ध के समय दोनों का सत्संग चल रहा था, युद्ध चला और यह सत्संग युद्ध और उसमें रुद्रासुर का फिर आखिर में जाकर के नाश हो जाता है। और रुद्रासुर कौन था, क्या था, वो इसमें इतनी श्रेष्ठता कहां से आई, ये अगला प्रसंग है, उसको हम आगे रखेंगे। अब थोड़ी देर के लिए इस प्रकार का चिंतन करेंगे कि जिसके द्वारा हम परमात्मा के बारे में स्वाभाविक विचार करना आरंभ कर दे। इसके बारे में हम आपको एक दो टेक्निक बताते हैं, उसको ध्यान से सुनो और अपने मन को प्रभु में लगाओ। सबसे बढ़िया बात ये होती है भगवान का चिंतन करने की, वो ये है कि हमारा मन अब तक जितना संसार में लगा हुआ है अब बहुत हो गया। एक ना एक दिन हम सबको स्वयं स्वीकार करना है कि अब हमको अपने जीवन को सवारने का समय आ गया है, बहुत जी लिया है और इसीलिए अब जगत से अपने मन को हटाओ। यदि हमने अपने मन को जगत से हटा लिया है तो जगत के वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, लाभ, हानि, इनके द्वारा हमारे अंतकरण पर प्रभाव पड़ना कम हो जाएगा। और जितना हमारा अंतकरण जगत के प्रभाव से मुक्त रहेगा उतना हमारा जीवन और सुंदर बनेगा। देखो जरा इसको समझ लेना, जगत से उपराम होकर के परमात्मा चिंतन में लगने से हमारा अंतःकरण इतना केपेबल हो जाता है, इतना सुंदर हो जाता है कि जो पहला काम करने को हमको दिनों लग जाते थे, महीने लग जाते थे, असफलता आती थी, वो सभी का सभी चुटकी के जैसे यू स्नैप एंड थिंग्स आर डन, इतना आराम से हो जाता है। और फिर यह जगत जिसको हम अपने सर पर बोझा के रूप में लेकर के ढोते थे, वही जगत अब एक खेल की भूमि बन जाती है। और इस प्रकार से जगत में रहते हुए भी हम जगत के प्रभाव से मुक्त होकर के जब जीना प्रारंभ करेंगे तब समझ लेना कि हमने अपने जीवन में आध्यात्मिक साधना करी है। अन्यथा मरते दम तक के वही रोना धोना, ये ऐसा है, वो वैसा है, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, इसका अंत नहीं है जब तक कि हम उसको डिलीट ना कर दें। अपनी हार्ड डिस्क जो है ना, बहुत करप्ट हो गई है, उसमें दुनिया भर के वायरसेस आ गए हैं। पिछले बार आपको पता है, याद है, जो कंप्यूटर का वायरस है वो लॉजिकल वायरस होता है, बायोलॉजिकल नहीं होता, और हम लोगों के दिमाग में भी वही है, लॉजिकल वायरस गया, लेकिन उसने ऐसा किया, ये ठीक था कि गलत था। मैं किसी को अभी मिलकर आया दो दिन पहले, तो हमको कमरे में लेके बोले स्वामी जी आप इसका निर्णय करके रखो, उन्होंने कर दिया क्या, तुम गलत हो साहिब, बिना सुने ना, बिना सुने कैसे, बताओ, फिर पूरा पूरा बताया।
तो हमने कहा देखो तुम्हारा ये जो विचार करने का तरीका है ना, तरीका ही गलत है। तुमने ये विचार पूछा है मुझे कि ये ठीक है कि गलत है, मैं कुछ भी बताऊं इससे मतलब क्या है? तुम कुछ भी सिद्ध कर लो कि तुम ठीक हो वो गलत है, इससे निकलेगा क्या? देखो हमारा विचार ऐसा होना चाहिए कि जो निष्फल नहीं होना चाहिए, उससे कुछ कंक्लूजन तो निकले ना, और वो कंक्लूजन कैसा हो जिसके द्वारा अपना भला हो। तो इसीलिए हमने कहा देखो इससे ये जो तुम्हारे विचार की धारा है वो गलत है, फिर क्या करना है? हमने कहा विचार की धारा उसको कहते हैं, ऐसा विचार करो जिसके द्वारा तुम्हारे मन की शांति बनी रहे। अब विचार करो। हाँ बोलो क्या हुआ स्वामी जी? लेकिन नहीं देखो लेकिन का सवाल नहीं, अल्टीमेटली तुमको क्या चाहिए? समझो तुमने जो कहा वैसा हो गया तो तुमको क्या मिलेगा? हाँ फिर मुझे अच्छा लगेगा, वो है जो है ना उसी को मन की शांति है। तो अल्टीमेटली आपको मन की शांति चाहिए, तो डायरेक्टली उसी को क्यों नहीं पकड़ रहे? तो उसको पकड़ना माने क्या? सरल ऐसा विचार करो जिसके कारण मन की शांति नष्ट होती है, उसको तिलांजलि दे दो तुरंत उसी समय। धीरे 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 पहले पहले लगेगा आपको कि ये बड़ा कठिन है, एक बार ये क्लिक हो जाए ना, इट इज काइंड ऑफ ए नैक। जैसे बाइसिकल चलाते समय उसके ऊपर में बैलेंस का नैक होता है, पानी में तैरते समय तैरने का नैक होता है, उसी प्रकार से जीवन में जीने का ये नैक है कि जगत में जिसके कारण मन की शांति भंग होती है उसको बिल्कुल मत मन में बता दे, तब जाकर के विचार होंगे। इस प्रकार से यह जो रुद्रासुर और इंद्र की कहानी है उससे हमको यही सीखना है कि किस प्रकार से व्यक्ति परमात्मा के चरणों में लग करके अपने जीवन में युद्ध करते समय भी रुद्रासुर के जैसे परमात्मा को प्राप्त हो सकता है, और यह हम सबको करना है, दूसरा हमारे लिए नहीं कर सकता। देयर इज नो प्रॉक्सी ऑन द स्पिरिचुअल पाथ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्।